भारतीय आवाम एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा इसरार अहमद के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अपनी पार्टी के बारे में व उसके उद्देश्य के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश व देश की सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। हमेशा से ही वोट की खातिर मंदिर की बात करती है, लेकिन मंदिर बनवाती कभी नहीं। इस समय देश और प्रदेश दोनों स्थानों में उसकी ही सरकार है। अध्यादेश लाकर सरकार बनाए और जनता को दिखा दे कि जो कहती है उसे करती है, लेकिन वो ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि उसकी वोट की नीति मंदिर से ही चलती है। अगर ऐसा कर दिया तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता का जो कार्यक्रम रखा है, खासतौर से यहाँ देवरिया जिले की जो कार्यकारिणी है उसका अनाउंसमेंट के लिए रखा गया है। यहाँ तक पार्टी के आगे कार्यक्रम का सवाल है, तो पार्टी खास तौर से इसीलिए बनाई गई है कि आवाम जो है, हिंदुस्तान की आवाम को एकता में पिरोया जाए, इसीलिए इसका नाम रखा गया है भारतीय आवाम एकता पार्टी। हम सारे लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, भारतीय हैं, आवाम की एकता की बात करना चाहते हैं। अभी जितनी भी पार्टियां हैं मौजूदा हालात में, लगभग सारी पार्टियां कोई किसी अलग जात की बात कर रही है और उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है, सिर्फ वोट अपने पाले में करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए। इसकी हम लोग निंदा कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर समाज के लोग एक साथ एक जगह बैठ करके जो भी बातें हैं मिलजुल करके निर्णय लिया करें। आज जो पार्टियां हैं वो कोई जाति धर्म की बात कर रही है, ख़ास तौर से कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो धार्मिक उन्माद को फैला रही है और धर्म की बात करके सत्ता हासिल कर रही है, की भी है, आप लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अभी आज हम लोगों ने पेपर देखा, पेपर में आज आया हुआ है भारतीय जनता पार्टी 2019 की तैयारी कर रही है, उसमें उन्होंने एक बात कहा है कि बाहर से आने वाले, दूसरे देश से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, इनको यहाँ शरण दिया जाए, उनको सुविधा दिया जाए, कहीं मुसलमान की बात नहीं आई। आखिर ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है? एक तरफ तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन दूसरी तरफ कहीं मुद्दा ये होता है कि अगर श्मशान है गांव में तो कब्रिस्तान होना चाहिए, तो कभी बुरके की बात आ जाती है, कहीं तीन तलाक की बात आ जाती है, जिसका कोई मतलब नहीं है, आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा चाहिए, जैसे बाबरी मस्जिद का मुद्दा, राम जन्मभूमि का मुद्दा। आखिर आज मंदिर क्यों नहीं बन रहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने एजेंडे में था, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार है, बिल्कुल बना लेना चाहिए, उसका कानून बना करके बना लें, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे, इसलिए कि ये उनके लिए एक चुनावी मुद्दा है। अगर उसको बना देंगे तो फिर मुद्दा उनके पास रहेगा ही नहीं, वो हर चुनाव में इसको भुनाना चाहते हैं, इसलिए नए नए प्रोपगंडा करना भारतीय जनता पार्टी का काम है, जिसकी हम लोग निंदा कर रहे हैं। पहले तो सबसे धन्यवाद देता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कौशल पांडे जी को, भारतीय आवाम एकता पार्टी, और महासचिव जो हैं मिर्जा सरजा साहब जी को, जो कि मुझे जिला अध्यक्ष पद बनाया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उसके अलावा मैं जितने भी हमारे पदाधिकारी बने हैं, मनीष तिवारी, कृष्णमूर्ति जी और डॉक्टर एस के त्रिपाठी जी, और जो है जावेद जी, विवेकानंद दुबे जी, इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ इस पार्टी में आने के लिए और बढ़ चढ़ के काम करने के लिए। आज जैसे आप लोग पूछ रहे हैं ये आरक्षण के मुद्दे पर, तो आरक्षण के मुद्दे से मैं बता दूँ, ये मोदी और योगी जी ये भली भांति जानते हैं इस चीज़ को कि जिस देश में आरक्षण लग गया उस देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें युवाओं का जो कार्यशील है, उन्होंने मनोबल सबका डाउन करने का काम किया है, और ये पार्टी जो भाजपा पार्टी है ये सरासर हमेशा जो झूठ बोलने का काम करती है। इन्होंने दो नंबर वाली शिक्षिका को पास कर दिया है, इन्होंने जिस जो दो नंबर लाती है पेपर में, दो नंबर लाती है उसको ये पास करते हैं, और यहाँ तक कि
जो आरक्षण SC ST जो लगाते हैं, झूठा लगाते हैं ये लोग। SC ST आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि महिला ने एक SC ST लगा दिया है, सामान्य वर्ग पर उसी के चचेरे भाई ने बलात्कार किया हुआ था उसका। एक इनके SC ST लगने से, और जो देश है पूरा पूरा इसकी निंदा करता है, घोर निंदा करता है।